धन्यवाद सभापति महोदय, कोई खुशबू ने, कोई फूल ने, कोई रौनक, उस पर कांटों की जहालत देखी नहीं जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालात देखी नहीं जाती। जैसी हालात 8 महीने में बनी इस बाग की। माननीय सभापति महोदय, बिजली पर चर्चा हो रही है और मुझे कहते हैं बड़ा दुख इस बात से होता है कि आपने एक राजस्थान के दो राजस्थान करने काम किया। 80% राजस्थान गांव में बसता जिसको आपने यात्रा देने काम किया और 20% राजस्थान शहरों में बसता है। आप गांव की बिजली रोज काट रहे हो, दिन में 24 घंटे काट रहे हो और शहर में बिजली लगातार आ रही। मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बराबर लाइट मिलने का अधिकार पूरे राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति का है, जो आप नहीं दे पा रहे हो। माननीय सभापति महोदय, क्या गलती है उन लोगों की कि जिन्होंने आपको वोट देकर सरकार में बैठाया? क्या गलती उन लोगों की जिन्होंने वोट देकर के आपके 14 सांसद जिताकर भेजा? क्या ये गलती है उनकी कि 11 सांसद आपके हरा के भेज दिए? आप बिजली देना नहीं चाहते हो, गांव का व्यक्ति परेशान हो रहा है। आप चाहे किसी तरीके व्यवस्था करें, कैसे बिजली खरीदें, लेकिन गांव में बिजली देने का आज आवश्यकता है। क्योंकि किस प्रकार से महिला, किसान, बेरोजगार नौजवान तकलीफ में होता है जब घर पहुंचता है और रात के 2-2 बजे तक फोन करता है और हम सब लोग इस सदन में बैठ करके बढ़िया ठंड गर्म इस सदन का आनंद ले रहे हैं। मुझे ये बात कहते कति अफसोस नहीं है कि हम लोग यहाँ ठंड में बैठे, यहाँ बैठने का हमें कत्ते अधिकार नहीं है। जब तक हम लोग गांव को पूरी बिजली नहीं दे पाए, कम से कम रात को सोने की लाइट तो उनको दे पाए, और हम लोग यहाँ इस ठंड गर्म सदन में बैठ करके और चर्चा कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से आज हालात गांव की बनी हुई है। मेरे इलाके में रात को 3-3 बजे तक फोन आ रहे हैं कि साहब बिजली नहीं आ रही और लोग तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इसलिए सरकार इस तरफ जरूर ध्यान दे और जनता को बिजली देने का काम करे। मेरे इलाके में 220 केवी का जीएसएस स्वीकृत है और लंबे समय से परेशानी चल रही है। किसान को बिजली नहीं मिल पा रही, बार बार ट्रिपिंग हो रहा है और किसान को 220 बिजली वोल्टेज मिल रहा है, जिसे किसान की मोटर जल रही सीजन के टाइम पे और किसान को कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस तरफ ध्यान देने की हमें आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, VCR नाम की बीमारी जो गांव में अधिकारी पहुंचता है तो वहां के लाइनमैन को साथ ले जाता है, और वो लाइनमैन कहां लेके जाता है? जो उसकी बात नहीं मानता, जो उसके अनुसार नहीं चलता, उससे घर ले जा करके और VCR भरवाने काम करता है। जो उसकी जेब गर्म कर देता है वहां VCR नहीं भरी जाती। इस तरफ भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिजली अगर काटनी है तो फैक्ट्री काटिए। मेरे इलाके में नीमराला औद्योगिक क्षेत्र है, 24 घंटे लाइट आती है। उसके बगल में मेरा गांव है और वहां लाइट नहीं आती तो कितनी तकलीफ उस गांव के लोगों को होती होगी, इस बात का ध्यान आपको नहीं है। और जितनी चोरी ये उद्योगिक लोग कर रहे हैं, किसान तो उसको चोरी भी नहीं कर रहा, गांव का व्यक्ति चोरी नहीं कर रहा जितनी वो लोग चोरी कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान रखना चाहता हूं सभापति महोदय कि गांव में किसी व्यक्ति के VCR आपने भर दी, उसको फिर आपने कर दिया और फिर भी बिजली जला रहा है। इसलिए मेरा आपसे सुझाव है कि उसको भी आप लोग वापस से लाइट जोड़ने का आप काम करिए और उससे कम पैसे उस VCR के लेकर सेटलमेंट करके इंस्टॉलमेंट में लेकर के उसको भी अवसर देने काम करेंगे, जिससे कि मैं समझता हूं कि इसका समाधान हो पाएगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे इलाके के बानसूर में 220 GSS का टॉप चेंजर पिछले 7 महीने से खराब पड़ा है और किसान को बड़ी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। मेरा निवेदन है कि आप इसको भी लगवाने काम करें। सैकड़ों कृषि ट्रांसफार्मर, घरेलू ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं, उनका भी पूर्ति नहीं हो पा रही, उनकी सरकार पूरी पूर्ति करने काम करे। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार इस तरफ जरूर ध्यान देगी।